इसका जो प्राइस है 2000 रुपीज पहले से इंक्रीज हो चुका है। इसके अंदर 4 चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे वी हैव द ओनली बजाज पल्सर 150 डुअल डिस्क, एंड यहाँ देख सकते हो इसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसके अंदर 4 चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड सबसे पहले बात करें प्राइसिंग की, तो इसका भी एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है 1,17,965 रुपीज। तो इसका जो प्राइस है 2000 रुपीज पहले से इंक्रीज हो चुका है। बात करें फर्स्ट इम्प्रेशन की, तो यहाँ देख सकते हो जो इसका ग्राफिक्स वगैरह है फुल चेंज हो चुका है, एंड काफी ये बाइक देखने में अब आई कैची लग रही है। फ्रंट से बात करें तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे डुअल टोन में स्टिकर ऐड हो चुका है। बात करें डिजाइन की, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये रहा इसका फ्रंट का हाइलोजन हेडलैम्प, एंड ये रहा इसका दोनों पायलट हेडलैम्प, साथ में ये रहा इसका इंडिकेटर जो कि फ्लेक्सिबल है। वहीं पे ठीक नीचे होगा तो आपको सेम टेलिस एसओपी जो आता था सस्पेंशन, वही इसमें दिया गया है। एंड ये रहा इसका मडगार्ड, ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। फेक कार्बन फाइबर का यहाँ पे स्टिकर यूज किया गया है। डिस्क की बात करें तो 260 mm का फ्रंट में डिस्क मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS। ये रहा इसका 17 inches का अलॉय व्हील विथ 80 सेक्शन ऑफ टायर। अगली चेंज की बात करें तो गाइस यहाँ देख सकते हो जो कि सबसे मेजर चेंज है इस बाइक का, इसका स्पीडोमीटर। इसके अंदर अब आ चुका है फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसके अंदर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, RPM का इंडिकेशन मिल जाता है, प्लस फ्यूल गेज मिल जाएगा। एंड यहाँ देख सकते हो दो ट्रिप और एक ऑडो दिया गया है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप लोग सेटिंग कर सकते हो। डिस्टेंस टू फ्यूल इकोनॉमी भी है, प्लस एवरेज प्लस इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ दिखा रहा है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अब ऐड हो चुके हैं। साथ में इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आ चुकी है, जो कि काफी सही चीज है। एंड यहाँ देख सकते हो चार्जिंग सॉकेट भी इसके अंदर आ चुका है, जो कि मीटर के जस्ट लेफ्ट साइड है इसके नीचे। ये रहा इसका हैंडल बार जो कि स्प्लिट है, एंड काफी स्पोर्टी आपको मिलने वाला है हैंडलिंग इसका। बात करें टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी, जो कि एनएफ है। माइलेज आपको 45 to 50 ये बाइक दे देगी अगर आप लोग अच्छे से राइड करोगे तो। नेक्स्ट चेंज की बात करो तो यहाँ देख सकते हो इसका ग्राफिक्स वगैरह किस तरह की ये बाइक लग रही है, जो कि देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रहा है इस बाइक के ऊपर। यहाँ जो साइड का पैनल है, यहाँ भी देख सकते हो फेक कार्बन फाइबर का यहाँ पूरा टेक्सचर दिया गया है, विच इज लुकिंग गुड। इंजन की बात करो तो इसके अंदर मिलता है 149 cc का एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 14 BHP की पावर एंड 13.6 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर भी सेम है, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। 5-speed गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। ये रहा इसका स्प्लिट सीट जो कि सेम है, कुशनिंग भी मीडियम पे सेट है। यहाँ देख सकते हो 150 की ब्रांडिंग वगैरह दे दी गई है। रियर की बात करें तो रियर में भी देख सकते हो इसका डिजाइन वगैरह, जो कि बजाज का आइकॉनिक टेल लाइट वही आपको इसके अंदर मिल रहा है। ये रहा इसका इंडिकेटर। रियर में 120 सेक्शन का टायर मिलता है, एंड रियर में देख सकते हो व्हील सेंसिंग का यहाँ प्लेट लगाया गया है। यहाँ देख सकते हो इसका, ये रहा इसका एग्जॉस्ट जो कि फुल ब्लैक्ड आउट है। ये राइट हैंड साइड से इसका लुक देख सकते हो किस तरह से ये बाइक दिख रही है नए ग्राफिक्स आने के बाद। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। ये आप लोग देखो, ये देखो इसका फ्रंट से डिजाइन, तो ये कुछ मेजर अपडेट हुए इस बाइक के अंदर जो कि मैंने आपको बताया। प्राइसिंग जो है इसका 2000 रुपीज पहले से इंक्रीज हो चुका है। प्राइसिंग के साथ जो जो इसके अंदर अपडेट दिया है वो काफी अच्छा कंपनी ने दिया है। डिजिटल स्पीडोमीटर आ चुका है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ, साथ में चार्जिंग सॉकेट आ चुका है, एंड नए ग्राफिक्स आ चुके हैं। सो ये मुझे अपडेट काफी अच्छा लगा। सो ये था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर माय डियर फैमिली।